हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सा एक स्वेटर की डिजाइन लेकर आई हूँ। देखिए कितना प्यारा डिजाइन है ये। लेडीज जेंट्स किसी भी स्वेटर पर डालिए, बहुत ही प्यारा लगेगा। बच्चों के स्वेटर पर डालिए। ये देखिए, ये सीधे की तरफ से इस तरह दिखेगा और पीछे की तरफ से इस तरह दिखेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है और ये बहुत ही आसान है बनाना। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये डिजाइन पसंद जरूर आएगा। तो आइए शुरू करती हूँ इस डिजाइन को बताना कैसे बनाएंगे इसको। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 24 फंदा है, मैं इसी में बताऊंगी। ये देखिए ये पहला फंदा है, तो हम इसको इसी तरह ले लिए बिना बुने हुए। अब यहाँ पर हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए दो फंदा उल्टा। अब यहाँ पर धागे अपने तरफ ही रखेंगे और इन तीन फंदे को हम लेकर इस तरह बनाएंगे। देखिए एक दो तीन चार पांच, इन तीन फंदे में हम पांच फंदे निकालेंगे ऐसे। और देखिए इसको, ये एक दो तीन, ये तीन छोड़ के चौथे फंदा को लेकर इसके ऊपर से ऐसे उतारेंगे और फिर इसी सिलाई पर हम इसको ले लेंगे इस तरीके से। फिर देखिए आगे थोड़ा सा लूज इसको निकालेंगे। ये देखिए एक दो, ये दो फंदा उल्टा। अब यहां देखिए ये तीन फंदा को लेकर इस तरह हम बनाएंगे। तीन में तीन फंदे में से हम पांच फंदे निकालेंगे। देखिए थोड़ा से लूज इसको हल्का से इस तरह निकालेंगे और फिर एक बार धागे लपेटेंगे तो दो हो गया। ये देखिए तीन चार पांच, ये पांच फंदा हो गया। अब इसको देखिए एक दो तीन, ये तीन फंदा छोड़ के चौथे को लेकर इसके ऊपर से उतार के फिर इसी सिलाई पर हम ले लेंगे ऐसे करके। आगे देखिए फिर एक दो, ये दो फंदा उल्टा। अब यहां पर देखिए ये तीन फंदा को हम, ये देखिए एक दो तीन चार पांच, ये पांच फंदा हो गया। अब फिर हम इन तीन फंदे को छोड़ के चौथे फंदा को इस पर से लेकर ऐसे उतारेंगे फिर इसी सिलाई पर ले लेंगे। एक दो, ये दो फंदा उल्टा। और फिर यहां पर देखिए इन तीन फंदे को लेकर इस तरह एक दो तीन चार पांच, ये पांच फंदा निकाल लिए। अब ये देखिए एक दो तीन, तीन फंदा छोड़ के चौथे को हम इसको लेकर इसके ऊपर से इस तरह उतारेंगे और फिर इसी सिलाई पर ले लेंगे ऐसे करके। बहुत ही आसान है, देखिए कितना जल्दी ये बन रहा है। और ये दो फंदा उल्टा बुन लिए, फिर ये किनारे का फंदा है तो इसको सीधा बुन के कंप्लीट कर लिए। अब पीछे के रो देखिए, पीछे के रो में ये धागे पीछे। अब यहां पर हम दो फंदा सीधा बुनेंगे। जिस फंदे को इधर से उल्टा बुने थे इधर से पीछे की तरफ से हम सीधा बुनेंगे, तो ये दो फंदा सीधा हो गया। अब देखिए यहां पर, अब पांच को हम तीन करेंगे यहां पर, तो एक फंदा ये उल्टा बुन ली। फिर अब दो को एक करना है, इन दो को लेकर एक कर दी और फिर देखिए इन दो को लेकर एक करेंगे। अब फिर देखिए इसको यहां पर धागे पीछे। अब यहां पर हम दो फंदा सीधा बुनेंगे, ये दो फंदा सीधा हो गया। अब फिर धागे अपने तरफ। अब देखिए एक फंदा उल्टा, अब फिर इन दो फंदे को लेकर हम एक करेंगे। ये देखिए और फिर इन दो को लेकर एक कर दिए। फिर धागे पीछे, यहां पर दो फंदा सीधा। फिर देखिए इसको एक फंदा उल्टा। अब देखिए यहां पर दो फंदे को लेकर
एक करेंगे, फिर इन दो फंदे को लेकर एक करेंगे, तो यहाँ पर तीन फंदा आ जाएगा और फिर धागे पीछे और दो फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ, इसको देखिए एक फंदा उल्टा। अब इन दो फंदे को लेकर हम एक करेंगे इस तरह, फिर इन दो को लेकर एक करेंगे, तो यहाँ पर तीन फंदा उल्टा हो गया, फिर धागे पीछे और ये दो फंदा सीधा, एक फंदा फिर हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। आगे देखिए इसको, ये किनारे का फंदा है तो हम इसको बिना बुने हुए ले लिए, फिर धागे अपने तरफ, अब यहाँ दो फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा, फिर दो फंदा उल्टा, फिर तीन फंदा सीधा, फिर दो फंदा उल्टा, फिर ये तीन फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागे अपने तरफ, अब दो फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे, तीन फंदा सीधा, फिर दो फंदा उल्टा। ये किनारे का फंदा है तो हम इसको इसी तरह बुन के कंप्लीट करेंगे सीधा सीधा। अब पीछे करो, देखिए ये चौथा सिलाई है, ये देखिए दो फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, फिर दो फंदा सीधा, फिर तीन फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे, दो फंदा सीधा, फिर तीन फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे, अब यहाँ पर दो फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ, तीन फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे, ये देखिए दो फंदा सीधा, एक फंदा ये किनारे का है तो हम इसको उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिए। अब ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया, चार सिलाई का डिजाइन है ये, चौथे सिलाई में एकदम कंप्लीट हो जाता है। अब फिर हम यहाँ से दूसरा डिजाइन निकालेंगे, पांचवे सिलाई से फिर हम दूसरा डिजाइन निकालना शुरू करेंगे। ये देखिए उसी तरह सेम निकालेंगे, ये दो फंदा उल्टा, धागे इधर ही रखेंगे अपने तरफ और तीन फंदा को लेकर हम इसमें से पांच फंदा निकालेंगे। देखिए एक दो तीन चार ये पांच, पांच फंदा निकल गया। अब देखिए एक दो तीन, ये तीन फंदा छोड़ के चौथे फंदा को लेकर इसके ऊपर से उतार के फिर हम इसी सिलाई पर ऐसे ले लेंगे, फिर धागे अपने तरफ रखेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर देखिए इसको इसी तरह बनाना है, अब इसी तरह हम रिपीट करेंगे बार बार इसको। ये देखिए तीन फंदा निकल गया, फिर एक बार लपेटेंगे चार और ये पांच, पांच फंदा हो गया। फिर देखिए इन तीन फंदे को छोड़ के चौथे को हम लेकर इसके ऊपर से उतार के फिर इसी सिलाई पर ले लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा, फिर इन तीन फंदे में हम पांच फंदे निकालेंगे, एक दो तीन चार पांच, ये पांच हो गया। फिर हम उसी तरह इसको, ये देखिए चौथे फंदा को लेकर इसके ऊपर से उतार के फिर इसी सिलाई पर ले लेंगे, ये देखिए फिर एक दो तीन चार पांच। अब फिर देखिए इसको, देखिए पीछे का रो फिर हम उसी तरह बुनेंगे जैसे मैंने पहले बताई थी, दो फंदा सीधा, एक फंदा पहले उल्टा बुनेंगे फिर दो को एक करेंगे यहाँ पर। ये देखिए ये फंदा यहाँ आ गया है,
पहले एक फंदा उल्टा, फिर देखिए दो को एक करेंगे, फिर ये देखिए दो को एक कर दिए, फिर इन दो को लेकर एक करेंगे, फिर धागे पीछे, दो फंदा सीधा, फिर देखिए इसको एक फंदा पहले उल्टा, फिर दो फंदे को लेकर एक करेंगे यहाँ पर, फिर इन दो को लेकर एक करेंगे, फिर धागे पीछे, फिर दो फंदा सीधा, अब एक फंदा उल्टा, फिर इन दो फंदे को लेकर एक करेंगे, फिर इन दो को भी लेकर एक कर दिए, अब फिर यहाँ पर दो फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ, ये देखिए बहुत ही आसान डिजाइन है, ये फटाफट बन जाता है, ये देखिए बन के कंप्लीट हो गया। अब फिर हम सीधे की तरफ से उसी तरह बुनेंगे इसको, सीधा पर सीधा और उल्टा पर उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे, और फिर पीछे की तरफ से उसी तरह बुनेंगे, ये देखिए तो बन के ये इस तरह का आएगा डिजाइन, कितना सुंदर लग रहा है ये। किसी भी प्रोजेक्ट पर डालिए, लेडीज जेंट्स बच्चों के स्वेटर पर, सारे पर ये अच्छे लगेंगे ये डिजाइन। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और स्वस्थ रहें, खुश रहें, फिर मिलती हूँ मैं कुछ नई डिजाइन लेकर आप सबके साथ।